वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग। आज के वीडियो में हम CD4017IC का काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। एलईडी 10 चैनल एलईडी चेसर कम 10 बीट काउंटर, हम इसके मदद से काउंट भी कर पाएंगे मैनुअल स्विच की मदद से और चेसर का भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर ट्रैक ऐड करके हम एसी लोड को भी रनिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्लॉक का भी एलईडी है। तो इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाना बना हो। एनी TFL5 IC को हम यूज़ करेंगे पल्स जनरेट करने के लिए, स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए। सॉरी, पल्स स्क्वायर वेव तो एसी होता है, ये एसी पॉजिटिव पल्स जनरेट करेगा। और CD4017 ये काउंटर आईसी है, 10 बिट काउंटर आईसी है, मतलब ये 10 स्टेप काउंट करता है और एक कैरी है। और यहाँ पे डीसी फिल्ट्रेशन के लिए 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट जो आप डायग्राम में देख पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके का इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट देखने लिए। तो चलिए आगे देखते हैं सर्किट डायग्राम को। यह रहा सर्किट डायग्राम। इस पे जो जो कंपोनेंट है आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलईडी कॉमन एनोड है, कॉमन कैथोड है, कॉमन एनोड भी कर सकते हैं। अगर कॉमन कैथोड होगा तो जो है जो एलईडी का आउटपुट आया है वो जलेगा, बाकी ऑफ रहेगा। और अगर कॉमन कैथोड करते हैं, एक कॉमन एनोड करते हैं, तो जो एलईडी का सिग्नल आया हुआ है वो बंद रहेगा, बाकी सब चलेगा। तो आईसी बेस और एलईडी को कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में बोर्ड में लगा के सोल्डिंग कर लेते हैं। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है आईसी के बेस को। ये प्रोजेक्ट काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप एसी हेवी लोड को दिवाली पे लाइटनिंग का डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो इस सर्किट को बना करके इसके साथ रिले या ट्रैक को ऐड करके आप काफ़ी बड़े लेवल पे रनिंग कर सकते हैं एलईडी मिनीचर एलईडी चेन को। सर्किट डायग्राम में आप C1 पे जो कैपेसिटर देख रहे होंगे, इससे ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो पल्स का विड्थ है वो डिसाइड होता है। तो इसका वैल्यू कम ज़्यादा करके आप चेसर का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक 104 कैपेसिटर लगाएंगे। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा सर्किट बोर्ड रेडी हो चुका है। क्लॉक का 2 ग्रीन एलईडी और चेसर का एलईडी एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे 10K का, जिससे हम चेसर का एलईडी का स्पीड कंट्रोल कर पाए। इससे क्या होगा, जो कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्जिंग वो उसका रेजिस्टेंस वैरी होगा तो डिले आएगा, तो उसके वजह से क्लॉक का विड्थ कम ज़्यादा होगा। तो मैं इसको पीसी पे लगा देता हूँ सही तरीके से। पतले कॉपर वायर की मदद से हम ट्रैक बनाएंगे अपने अनुसार,
सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्ट करेंगे। मेरे चैनल पे आप जाके एनालॉग सीआरओ घर पे कैसे बनाते हैं, सोलर सेटअप, मिनी सोलर सेटअप, बड़ा सोलर बैटरी पे 24 घंटे एसी डीसी लोड और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा है। आर्डिनो वोल्ट मीटर, आर्डिनो कंपोनेंट टेस्टर, पावर सप्लाई, लैब बेंच पावर सप्लाई, बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए। अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाता है कंप्लीट तो मैं एक गिव अवे करूँगा। आज 21 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 21 मई 2023, तो जब मैं वीडियो पब्लिश करूँगा उसके बाद 10 दिनों के अंदर अगर 10,000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो मैं गिव अवे करूँगा। गिव अवे में क्या होगा, एक स्पेशल चीज़ होगा, उसके लिए वेट कीजिए। तो देखिए काफ़ी तर सर्किट हमारा रेडी हो चुका है, जो वायर की मदद से हम सिंगल स्ट्रैंड वायर की मदद से सभी कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। सर्किट काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस तरीके का छोटा ब्रेडबोर्ड में आप कोई भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, काफ़ी हैंडी होता है ये ब्रेडबोर्ड। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करके रखा है, उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सीआरओ जो हमने बनाया था उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन एक्चुअल सर्किट का वीडियो अभी बन रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एग्जैक्टली मैंने कागज़ कलम पे उसका डायग्राम बनाया था, उसको कंप्यूटर में पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पहले पिक्चर ट्यूब में कैसे एक बीम क्रिएट करें, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, टाइम बेस्ड जनरेटर, सिग्नल एम्पलीफिकेशन, सभी सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप हाई वोल्टेज कैसे जनरेट करके पिक्चर ट्यूब पे बीम लाए, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बना के आपको दिखाऊंगा। सीआरओ आप घर पे बना पाएंगे अपने छोटे पुराने मिनी टीवी के साथ, बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। और साथ ही साथ मैं और एक प्रोजेक्ट में जो आपका आर्डिनो बेस मिनी एलसीडी ओएलईडी डिस्प्ले का सीआरओ होता है पोर्टेबल, उसको भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका डिस्प्ले आ चुका है मेरे पास, सब कुछ कंपोनेंट आ चुका है, जस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक में 6 सेम का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा, तब तो आपके लिए वीडियो ही वीडियो होगा हर दिन एक। अभी कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर है इसलिए थोड़ा सा वीडियो कम आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ज़रूर डालूँ। तो इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लिए इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे हमने एक डीपीडीटी स्विच लगाया है जिसके मदद से हम जो CD4017 आईसी है उसके जो क्लॉक, मतलब उसका जो इनपुट है जिससे वो काउंट करता है स्टेप, मतलब एज ट्रिगर है शायद इस पर, तो वो जो है उसको हमने एक डीपीडीटी के बीच में दे दिया है कॉमन पे, और NO पे आपका पल्स और NC पे हमारा मैनुअल स्विच लेके 5 वोल्ट पुल अप करके पुल डाउन करके और उसके प्रेस करने के बाद 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से कॉन्फिगर किया है। तो नॉर्मली हम पल्स देंगे तो रनिंग होगा, और पल्स को ऑफ करके हम मैनुअल बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बटन के प्रेस से एक एक स्टेप बढ़ेगा, तो इस तरीके से आप 10 चीज़ को काउंट कर पाएंगे। मतलब कोई भी वाट मतलब ऐसा हो डोर जिसमें कि 10 लोग घुसेंगे तो अलार्म बज जाएगा मैक्सिमम, तो वहाँ पे इस सिस्टम को लगा सकते हैं, ये काउंट करेगा कितने लोग गया, मैक्सिमम 10 लोग इस तरीके से। और इसका कैरी जो है, कैरी की मदद से और एक आईसी को लगा के ये कैरी उस आईसी के इनपुट पे देकर आप इससे और एक आईसी लगा के इस तरीके से कैस्केड करके आप इसको की मदद से
नॉर्मली तो यहाँ पे 0 से लेके 10 या 9 तक काउंट हो रहा है, तो आप और भी आईसी कैस्केड करके आप 20 तक 30 तक इस तरीके से आप काउंट कर पाएंगे, क्योंकि एक आईसी पे जब 10 कंप्लीट होता है उसके बाद कैरी जनरेट होता है, तो जब कैरी जनरेट होगा तो दूसरे आईसी में 1 जनरेट होगा, तो 1 1 1 2 इस तरीके से 12 13 14 15 उसके बाद 22 23 इस तरीके से आपका काम करता रहेगा। लेकिन वो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप उस तरीके का सिंपल वीडियो बनाना चाहते हैं कि 100 तक नंबर काउंट करें, तो उसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ऑलमोस्ट हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। इस सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसको देख के आप घर पे एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए अभी इस पर बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा, 2 वायर लगाएंगे बैटरी के लिए। इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पर है, ये काउंटर आईसी है, इसके मदद से आप जो आप अगर किसी भी त्यौहार में जाते होंगे तो साइड में जो एलईडी बोर्ड होता है उस पर रनिंग वाटर मतलब इस तरीके से चक्री घूमता है या पानी की तरह बह जाता है एलईडी में, कैसे होता है ये जो जैसा सर्किट है यही सर्किट लगा हुआ होता है, यही एलईडी के कनेक्शन के मदद से अलग अलग पैटर्न आपको आउटपुट में देता है। इस सर्किट की मदद से आप एलईडी दिवाली पे आप काफ़ी सारा एलईडी चेन को रनिंग कर सकते हैं रिले का यूज़ करके। इस टॉपिक पे मेरा पहले से ही वीडियो है, जो हमने आरजीबी रिमोट कंट्रोल का यूज़ करके ट्रैक को यूज़ करके हमने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोलर बनाया था दिवाली लाइट के लिए, उसका वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, मैं आई बटन में दे दूँगा। तो यह बैटरी का 9 वोल्ट बैटरी से हम चलाएंगे, तो बैटरी का प्लस माइनस का वायर जोड़ देते हैं। यह हमारा सर्किट रेडी हो चुका है, जिसपे कि एक मैनुअल मोड है, जिससे मैनुअल प्रेस करके एक एक 10 स्टेप काउंट कर सकते हैं, और जिसपे कि हमारा ऑटोमेटिक मोड है, जिसपे रनिंग काउंट होगा टाइम बेसिस पल्स विथ जनरेट होगा, पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है 555 IC से। तो देखिए ये अभी ऑटोमेटिक मोड में है, तो कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा ये लाइट फ्लैश कर रहा है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। इसके अंदर से आप किसी भी रोड पे मतलब इधर जाना है या कोई भी एरो बना देंगे तो एरो भी ऐसा जाएगा, इसके मदद से काफ़ी चीज़ें किया जा सकता है। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि इस तरीके से बनाना है इसको, तो आप इसके मदद से आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब गोल गोल सर्कल 10 बना के वो फूल की तरह खुलेगा इस तरीके से, बहुत सारा जितना भी ज़्यादातर एलईडी जनरेटर मैन जो आपका शादी में पूजा में जो लाइटिंग करते हैं इस सर्किट का यूज़ करके काफ़ी डिफरेंट टाइप का डेकोरेशन किया जाता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा। Feel the